नमस्कार साथियों, मैं अपूर्वा वशिष्ठ आज आपके सामने मौसम्मी के कुछ औषधीय गुणों को लेकर आई हूँ। देखो, वैसे तो मौसम्मी का नाम आते ही हम सबके मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि बहुत ही स्वादिष्ट फल होता है। और अगर कहीं गर्मी के समय इसका हमें जूस पीने को मिल जाए तो अमृत के समान लगता है। अब इसमें क्या होता है, एक तो हमारे शरीर की जो है ना पानी की कमी को पूरा करता है, और साथ साथ इसके अंदर बहुत सारे पौष्टिक तत्व भी होते हैं। जैसे इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर, आयरन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, जिंक और कई तरह के विटामिन, जैसे विटामिन सी, B1, B2, B3, B6, B9 है ना, और A, E, K, ये सब तत्व पाए जाते हैं। तो ये मतलब कहने का मतलब ये है कि ये हमारे शरीर की पानी की कमी को ही नहीं पूरा करता, और भी हमारे कितने तरीके रोगों में भी फायदेमंद होता है। तो देखो इसमें क्या होता है, एक तो फाइबर पाया जाता है, जैसे अभी अभी आपको मैंने बताया ही है। ये हमारा क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन में बहुत ज्यादा मदद करता है, कि कब्ज की समस्या नहीं होने देता। हमारी बॉडी से जो टॉक्सिन्स होते हैं ना, जो कि कॉन्स्टिपेशन को डेवलप करते हैं, उन टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। साथ साथ इसमें क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि इसमें इतने इस तरह के तत्व पाए जाते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है। अब ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करेगा तो उससे क्या होगा, एक तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी, हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी, साथ साथ हमारे को जो हार्ट से रिलेटेड डिजीज है ना उसमें बहुत बचाव मिलता है अगर हम इसका सेवन करते हैं। इसी तरीके से साथियों, इसमें क्या है, एक जो कैंसर के लिए है, कैंसर में क्या होता है कि कई तरह के कैंसर होते हैं, तो क्योंकि इसमें लिमोनाइट्स नाम का यौगिक पाया जाता है जो कि हमारे कैंसर के लिए बहुत ही, उसको रोकथाम करने के लिए बहुत मददगार होता है। क्योंकि इसमें क्या रहता है कि हमारे जो शरीर से ना कैंसर की, जैसे मतलब इसमें जैसे ग्लूकोज के साथ में ये मिलता है जो शुगर होती है, तो बॉडी में शुगर के साथ में मिल करके उसे उस तरह के द्रव में चेंज कर देता है, जो कि रस में चेंज कर देता है, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होते, और फिर उसे बॉडी को बाकी वेस्टेज को बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो ये मौसमी जो होता है, हमारे जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, लंग्स कैंसर हो गया, या लिवर का कैंसर हो गया, उसमें बड़ा मददगार होता है। और साथ साथ इसमें क्या होता है, सिट्रिक एसिड भी पाया जाता है। सिट्रिक एसिड और विटामिन सी का जो कॉम्बिनेशन है, दोनों ही जो होते हैं स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मतलब एंटी एजिंग का एक तरह से जो होता है ना, हमारी स्किन में चमक बना के रखता है, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसमें क्या, फॉलिक एसिड पाया जाता है। तो फॉलिक एसिड क्या हो जाता है, ये अर्थराइटिस की समस्या को खत्म करता है। अर्थराइटिस में जैसे रिमोटाइड अर्थराइटिस है या ऑस्ट्रियो अर्थराइटिस है, उसमें बहुत ज्यादा उसके उसको बढ़ने से रोकने के लिए, या फिर इस तरह की चीज डेवलप ना हो अगर हम पहले से ही सेवन कर रहे हैं इसका, तो वो हमारे बॉडी की कमी में ये चीज कमी नहीं होने देता और हमारे को इस बीमारी से बचाने में मदद करता है। इसी तरह से साथियों, इसमें ना यूरिक एसिड में बड़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि यूरिक एसिड के लेवल को कंट्रोल करता है। और क्योंकि इसमें पोटेशियम पाया जाता है ना, तो पोटेशियम क्या होता है, यूरिनरी समस्या जो होती है ना वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। और जो किडनी और ब्लैडर से जो होते हैं ना हमारे वात और पित्त, उसको जो है वो रिमूव करता है, तो हमारे लिए किडनी के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इस तरह से साथियों, ये कुल मिला करके हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जैसे हमारे वजन कम करने में किसी कोई कोई इसको उसमें भी लेते हैं, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब इसमें सिर्फ हमें ध्यान थोड़ा सा ये देना है, क्योंकि इसमें ये सिट्रिक एसिड पाया जाता है और साथ साथ विटामिन सी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि ये जो होता है ना, किसी किसी को एसिड बनाता है, मतलब एसिडिटी की समस्या करता है। पर एक जो विटामिन सी का जो फायदा भी होता है ना, वो एक फायदा ये भी है कि हमारे मुंह के लिए, जैसे कई बार मुंह के छाले बन जाते हैं, या मतलब कोई जैसे मसूड़ों में सूजन आती है, किसी के मसूड़ों से ब्लड निकलता है, तो उसमें क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है, तो उसमें ये बड़ा मददगार साबित होता है। इसलिए साथियों, इसमें नुकसान तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा नहीं है। हम क्योंकि कभी बीमार होते हैं तब भी डॉक्टर हमें कहते हैं कि मौसमी का जूस पीना चाहिए, तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा है। अगर आपको ये मेरी जानकारी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। मेरा चैनल है नेचर टॉक बाय अपूर्वा वशिष्ठ। धन्यवाद सर।